नमस्कार, मैं हूं सरफराज खान। एबीपी गंगा के डिजिटल बुलेटिन में आपका स्वागत है। इस वक्त बिजनौर के चांदपुर इलाके से एक बड़ी खबर आ रही है। खबर यह है कि दो सगे भाइयों में पिछले काफ़ी सालों से पुरानी रंजिश चली आ रही है, वो भी ज़मीनी विवाद को लेकर। लगातार दोनों सगे भाई आए दिन झगड़ा करते थे और इसी बात को लेकर के कल बीती रात दोनों सगे भाइयों में खूनी संघर्ष हो गया। संघर्ष इतना खतरनाक था कि और भी जो उनके रिश्तेदार थे वो भी सामने आ गए और तकरीबन काफ़ी देर तक झगड़ा चलता रहा, लाठी डंडे चलते रहे, जिसमें एक भाई की दर्दनाक मौत हो गई है जबकि 5 से 6 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। घायलों को आनंद फानन में पुलिस के अफसरानों ने ज़िला अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है, जिसमें दो की हालत अभी भी नाजुक बनी हुई है। वहीं पुलिस के अफसरानों ने एक आरोपी को हिरासत में ले लिया है जबकि बाकी की पुलिस अब सरगर्मी से तलाश कर रही है। साथ ही अगर बात करें तो मृतक के परिजनों का अब रो रो कर बुरा हाल हो चला है। दूसरी खबर बिजनौर के शिवाला कला इलाके से आ रही खबर है कि यूपी के पूर्व परिवहन मंत्री अशोक कटारिया के सत्संग और साथी भंडारे में यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य और साथ ही उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी आज शामिल होंगे। तकरीबन 12 बजे के आसपास वो उनके आवास पर पहुंचेंगे और साथ ही यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य विकास योजनाओं की बिजनौर कलेक्ट्रेट में सभा करेंगे अधिकारियों के साथ और साथ ही उसके बाद बीजेपी के जो पदाधिकारी हैं उनसे भी वार्ता करेंगे। तीसरी खबर बिजनौर के शेरकोट इलाके से आ रही खबर यह है कि इन दिनों गुलदार के आतंक से लोगों का जीना मुहाल हो चला है। गुलदार आए दिन सिलसिलेवार हमले कर रहा है, लगातार लोगों को घायल कर रहा है, उनकी जानें ले रहा है। ऐसा ही ताज़ा तरीन मामला उस वक्त सामने आया जब 70 साल का किसान अपने खेत पर ईख को ठीक कर रहा था कि इसी दौरान खेत से होता हुआ गुलदार ने किसान पर हमला कर दिया। हमले में किसान बुरी तरह ज़ख्मी हो गया। साथ ही वहां पर पुलिस टीम ने बाकायदा किसान को CSC में भर्ती करा दिया है, जिसकी हालत अभी नाजुक बनी हुई है। साथ ही ग्रामीणों ने बाकायदा वन विभाग को सूचना दे दी है। वन विभाग के अफसरों ने जंगल में पिंजरा लगा दिया है गुलदार को कैद करने के लिए, लेकिन फिलहाल अभी पूरे इलाके में गुलदार का दहशत देखी जा रही है। चौथी खबर बिजनौर के शेरकोट इलाके से आ रही है खबर यह है कि सोशल मीडिया पर एक तेज़ी से वीडियो वायरल हो रही है, जिसमें बाकायदा दिखाया गया है कि दो मुस्लिम लड़कियां बाइक पर सवार गैर समुदाय लड़के के साथ जा रही थी। इसी दौरान 4 लड़कों ने उन्हें चारों तरफ से घेर लिया और उनके साथ बदसलूकी की, उन्हें गाली गलौज की। इसी को लेकर के बाकायदा चारों लड़कों ने सोशल मीडिया पर वीडियो भी वायरल कर दी थी। पीड़ित युवक ने जब थाने में तहरीर दी तो तहरीर के मुताबिक पुलिस के अफसरानों ने चारों आरोपियों को संगीन धाराओं में केस दर्ज करके जेल भेज दिया है। ABP गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।